अस्सलाम वालेकुम व्यूज, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब के लिए हमें चाहिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये है कुटी हुई मिर्चे 2 टेबल स्पून, ये है हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ये है गरम मसाला, दालचीनी है इसके अंदर, बड़ी इलायची है, और 6 से 8 लौंगे हैं, और 6 से 8 हमारे पास काली मिर्चें हैं, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। यह है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ये है लहसुन के जवे, ठीक है, ये ले लेंगे हम। पूरा एक लिया था मैंने फूल, और उसको छील के उसके लीव्स अलग कर लिए मैंने। और ये है अदरक, अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा है ये, देख लीजिए आप, ठीक है। और ये है चने की दाल, मैंने भिगोई भी थी चने की दाल। और ये है 1.5 कप, और ये गोश है, देखें 4 बोटे लिए हैं मैंने बड़े बड़े, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमें, आप चढ़ाने के लिए हमें एक पॉट चाहिए होगा, और इसके अंदर हम डालेंगे चने की दाल, टीवी मिर्चे, गरम मसाला, जीरा, हल्दी, और ये लहसुन, और ये अदरक। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे हम गोश्त, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर और थोड़ा हम पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी हमारे लिए बहुत होगा, हम इसको चूल्हा जला देंगे, और अब हम इसको गलने के लिए आधा एक घंटे में हमारे शामी कबाब रेडी हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसे भूटा लगाएंगे। अब हमारे कबाब तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ये देखिए तेज आग पे हम इसको घोटा लगाएंगे इस तरह। देखिए गोश्त बिल्कुल हलवा हो चुका है, दाल भी हमारी पक चुकी है अच्छी तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से हमें इसको घोटा लगाना है ताकि दाल और गोश्त एक जान हो जाए। नॉर्मल आंच कर देंगे ताकि ये चिपके ना, और ये अच्छी तरीके से घोटा लगाएंगे। अदरक है हमारी, देखो अच्छी तरीके से घोटा लगाते रहेंगे हम इसका, ताकि दाल भी बिल्कुल सही हो जाए, गोश्त भी एकदम हमारा गल चुका है, तो फूटा लगाएंगे। देखें
रख के हमारे इसको कुछ दूसरे कुछ नहीं है। और ये देखिए ये चर्बी हम इसको निकाल दें। खूब पकाएंगे और चाहे तो हम इसको चॉपर में कबाब चॉप करने का जो चॉपर होता है उसके अंदर हम इसको चॉप भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, पहले हम इसका गोटा लगा देते हैं। ये भी हम निकाल देंगे चिकनाई इसकी, इस तरह की जिसकी भी चिकनाई होगी हम निकाल लेंगे। बाकी ये सब हमारी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, दाल भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें, ये प्रोसीजर हमारा देर तक चलेगा। ठीक है, काफी हद तक हमारी ठीक है। अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। ओके व्यूज, ये ठंडा हो चुका है, अब हम ये इस चॉपर में इसको पीसेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा अपना निकाला मिक्सचर और इसके अंदर डालेंगे हम मिक्सचर को। ठीक है, ये देखिए थोड़ा मिक्सचर लेंगे, इस तरह निकाल कर अब हम इसे पीसते हैं। हम इस तरह इसको पीसेंगे चॉप करके। ये देखो, इसको भी देखो हमें चॉप करना है। और हम देखते हैं, ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इस तरह सारा अपना मिक्सर पीस लेंगे। ठीक है, हमने कबाब चॉप कर ली है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये है ब्लैक पेपर, ये है गरम मसाला, ये है सॉल्ट, ये हरा धनिया है और ये है हरी मिर्च है। 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे काली मिर्च। गरम मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून और हम ये लेंगे सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। सॉल्ट हमने पहले भी नहीं डाला था, हमने एंड में ही डाला था ये, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। और ये हमारी हरी मिर्च, ये चॉप हुई हुई है, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई है। 1, 2 और 3। ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये हम सारा ले लेंगे। और इसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो और पहले हम इसमें मसाले और ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। स्पाइस अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं आप। जी, ये मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम कबाब की शेप्स बनाते हैं।
अगर आपके पास ये हो तो ले सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं कबाब अपने। आप चाहें तो हैंग से शेप दे सकते हैं वो आपके ऊपर। ये इसलिए है ताकि शेप सारे ऐसी आए और एक से साइज के बने, इसलिए ठीक है। और बना लेते हैं इसका मैंने, इसको पतले रखने हैं वो पतले रख सकता है, जिसको मोटे रखने हैं। इस तरह हम सारे बना लेते हैं ठीक है। ओके गाइस, ये देखिए हमने कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम ये फ्राई करने जा रहे हैं। ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आप इक्वल साइज रखेंगे, अगर आपको हाथ से बनाना आते हो आप हाथ से बनाए, वरना सेंटर यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने इनको पलट दिया है और आप देखें किस तरीके से ये हो चुके हैं। बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट है इनका और आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी। बहुत ईजी वे से बनाया है मैंने और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए ये साइड भी हमारी हो चुकी है और अब हम इसे तेल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से देखिए व्यूज, ये हमारे कबाब रेडी हैं और ये हमने केचप के साथ सर्व किया। आप भी चटनी से, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, जिससे दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं इसे, और इसे पुलाव के साथ भी ले सकते हैं आप, और इसके पर इसको पराठे के साथ भी ले सकते हैं, इसके सैंडविच बना के भी खा सकते हैं आप। ये रेडी है और ये हमारे कच्चे हैं जो हमने फ्राई नहीं किए हैं, इसको हम फ्रीज़ करेंगे और आप लोग भी फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। 2-3 वीक तक आप इसको फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मेरे चैनल को और बताएं मुझे कमेंट्स करके मेरी रेसिपी कैसी बनी है।